हे कृष्णा, गुड आफ्टरनून। और आज ना पूरा रूम फैला हुआ है, ये देखो। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इस सारे कचरे को उठाकर, मतलब सेट करने की। कचरा नहीं है, सारे कपड़े हैं पहनने वाले, क्योंकि इतने दिन से आए हैं, जब से मैं लगी हुई हूँ। कभी कपड़े वॉश कर रही हूँ, समेट रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, फिर कल पूरी अलमारी चाहिए। तो इतना ज़्यादा ना हैक्टिक हो चुका है सब कुछ, तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर सो जाऊँ। और रात को भी हम लोग लेट आए थे, 12 बजे के आसपास आए थे, तो फिर पूरा रेस्ट नहीं मिल पा रहा है अच्छे से। तो बस ऐसी थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरे को लगा मैं सो जाऊँ। तो मेरे से अभी तक देख लो 3 बज रहे हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है। बस खाना बनाया था, खाना खाया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, अभी उठी हूँ। सोया तो थोड़ी सी देरी थी, क्योंकि फ़ोन आ गया था कोई, तो मेरे को उठना पड़ा। और कल काम करते करते मेरी तुलसी माला जो है ना, वो भी मतलब ब्रेक हो गई, खुल गई वो। एक्चुअली वहाँ से जो उसका पॉइंट होता है बंद करने का, वो निकल गया। उसको भी ठीक करके पहननी है, उसके बिना मेरे को अजीब सा लग रहा है। तो अभी सब कुछ कचरा जो है वो ठीक करना है, सब कुछ उठाना है, क्योंकि आज हमको फिर से कहीं जाना है, मतलब डिनर के आंटी के यहाँ जाना है। तो हमारे डिनर ही चल रहे हैं तब से। डिनर वैसे नहीं होता है हैवी वगैरह, सिंपल घर का खाना होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, ऐसा होता है। कि आप ये ना सोचो कि बहुत हाई फाई डिनर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल घर का खाना होता है, जो कि हम लोग इकट्ठे बैठ के खा लेते हैं। बस ये डिफरेंट, ये मतलब मीनिंग है यहाँ पर डिनर का। तो हमारा यही सब चल रहा है, क्योंकि अभी सब गेस्ट आए हुए हैं, बुआ जी आए हुए हैं, और आज हमारे यहाँ गेस्ट और आने वाले हैं। कल मॉर्निंग में आ जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग आएंगे। तो इनके मामी जी हैं, हस्बैंड के मामी जी हैं, वो आ रहे हैं लंदन से, तो वो भी आ जाएंगे। तो हमारे इस टाइम पे ना सब लोग बाहर से आए हुए हैं, बुआ जी आए हुए हैं, फूफा जी आए हुए हैं, फिर मामी जी भी आ जाएंगे। और उनसे मिलने कोई ना कोई आता ही रहता है, जैसे गुजरात वाले अंकल आंटी आए थे, और बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो ना बहुत लोगों को तो मैं भी डिटेल में नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी मतलब शादी हुई है, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा मिली नहीं हूँ, बट बाय फेस जानने लग गई हूँ अब। तो बस अभी ये सब कचरा वगैरह सब कुछ उठा दूँ, कोशिश कर रही हूँ। कल वैदिक का भी स्कूल है, तो उसको भी फिर मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। आज तो मैं भी 6:30 उठी थी, क्योंकि रात को सोए ही हम लोग 12 बजे थे, और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है आज मुझे। तो ट्राई कर रही हूँ सारा कचरा समेटने का। को वैदिक के वो शुगर पराठा इतना ज़्यादा पसंद है, वेट भी नहीं करेगा ठंडा होने का, गरम गरम ही खाएगा। कैसा बना है वैदिक? यम्मी। सुंदर नहीं होता पराठा, यम्मी होता है। और मैंने ना पूरा रूम सेट कर दिया है, पूरा मतलब देखने लायक हो गया है। कि अभी ना, क्योंकि मामी जी आ जाएंगे नाइट में, 2 बजे के आसपास उनकी फ़्लाइट आ जाएगी रात को, तो थोड़ा सा देखने लायक कर दिया है। और यहाँ पर ना इस जो ये है, इसको मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना कंजस्टेड कर रही है रूम को, तो इसको मैं हटा दूँगी, चेयर को। यहाँ पे एक बड़ा सा कारपेट लगा दूँगी लाके, मैं सोच रही हूँ, तो सर्दियों में ना सर्दी निकल जाएगी। ये कारपेट छोटा है, तो ये तो कभी जैसे आगे बैठते हैं तब मैं बिछा देती हूँ वैदिक के लिए, तो नीचे बैठने में ना काफ़ी अच्छा लगता है। वैदिक भी अपने सारे काम नीचे बैठ के करता है, उसको ज़्यादा बेड पर बैठना पसंद नहीं है। क्या हुआ है, हस्बैंड को ना इस बेड पे सोने से ना, इस गद्दे से सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लग गई है। उनको मतलब गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया है, तो वो कह रहे हैं कि मैं इस मैट्रेस को चेंज करूँगा, क्योंकि ये स्प्रिंग वाले मैट्रेस हैं, जो काफ़ी बड़े होते हैं ना, स्प्रिंग वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला है कि मैं इसको चेंज करूँगा। तो आज वो गद्दे के लिए बात करने गए थे मैट्रेस वाले से, तो लेट्स सी, कल तक ट्रायल के लिए गद्दा आएगा, तो उस पर सो के देखेंगे कैसा लगता है। बिकॉज़ मेरे को भी ना बैक पेन की बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है इस गद्दे पे सोने से। तो अगर आप लोग भी मतलब इस तरीके के स्पंजी जो गद्दे होते हैं, जिनकी मतलब स्प्रिंग वाले जो गद्दे होते हैं, वो आप लोग ख़रीदते हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा बैक पेन इससे होता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेक में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि एकदम सीधा नहीं रहता ना, आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो ख़राब होने लगता है। तो वो नीचे सोने के लिए कहते हैं कि मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम ऊपर सो जाओ, पर नीचे अभी क्या, फिर ये चेयर है, तो इस ये ब्लैक कलर की है ना, तो इसके चारों तरफ मच्छर घूमते रहते हैं, तो नीचे फिर मच्छर भी काटते हैं। तो इस चेयर को इसीलिए हटा रही हूँ मैं रूम से। एक यहाँ पे एक क्यूट सी छोटी सी ना स्टूल टाइप ले आऊँगी, और बाकी नीचे बैठो जिसको बैठना है। तो बस यहाँ पर हम लोग, कल आएगा ट्रायल के लिए गद्दा, लेट्स सी कैसा होता है, फिर अच्छा लगेगा तो उसको ऑर्डर कर देंगे और ये गद्दा चला जाएगा। मेरा कितना पुराना गद्दा है, 2016 में मैंने लिया था, निकाल दिया इसने 6-7 साल। तो
जा रहे हैं आंटी के यहाँ पर खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। और आज मेरे रूम में ना एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, ये देखिए। कान्हा जी को मैंने सुला दिया है, कान्हा जी को मैं अपने रूम में ले आई हूँ क्योंकि मामी जी आ रहे हैं तो रूम में फिर वहाँ पर वो रहेंगे पूरा, और फिर मुझे स्पेस नहीं मिलेगा पूजा वगैरह करने के लिए। और जो मेरा टीवी रिमोट है उसको यहाँ रख दिया है, तो अब मैं सेटिंग भी ऐसे ही कुछ रखने वाली हूँ। तो मैं सोचूं अगर आप भी ऐसे है आपके साथ भी कि आप भी मतलब भगवान जी के लिए आपके घर में जगानी है तो आप अपने बेडरूम में रख सकते हो, बट कंडीशन ये है वहाँ पर पर्दा होना चाहिए। तो मैं कल मॉर्निंग में अर्जेंट बेसिस पे इस पर पर्दा लगा दूँगी, अभी तो मैं इसको ढक दूँगी आने के बाद। तो अभी तो कान्हा जी को ऐसे ही सुला रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ना फ्रेग्रेंस ऑयल जला दिया है ताकि लाइटिंग भी रहे थोड़ी सी, और फ़ैन चला दिया है उनका। तो अभी हम लोग जाते हैं। इस तरीके की ये वुलन कुर्ती है मेरी, वो पहनी है और नीचे ट्राउज़र पहना है। और मेरा ये एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है, ये शॉल मैं लेके आई थी ऋषिकेश से और ये पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी का बना हुआ है। ऋषिकेश में बेसिकली ना शॉल्स का वो बनाया जाता है, तो ये शॉल मैं लेके आई थी। ये बनी है हैंड, पूरी कढ़ाई रेशम की है और हाथ से बनी हुई है। वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो लोग ये बनाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ आंटी के यहाँ। हम लोगों का डिनर हो गया है और अब हम लोग घर पे जा रहे हैं। इसका ये पीछे और एक आज और ना 10:30 ही बज रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ? एक साइड वाला पिलो और है। हाँ जी, कहाँ रखा हुआ है? टू है ना, एक ये रहा पीछे बड़ा कॉर्नर में। वैदिक को भी अब नीनी आएगी ना, फिर वैदिक को स्कूल भी जाना होता है सुबह। हेलो, राधे राधे। वैदिकम, वैदिक और मैं खाना डाइजेस्ट करते हुए जा रहा हूँ बाय वॉक। इतने दिनों से इतना लेट खाना खा के ना बैंड बजी हुई है। कहाँ हम दोनों 6:30 बजे खाना खाते थे और अब खाने को मिलता है 9 बजे। जब से ये डिनर होने लगे हैं ना तब से 8:30-9 ये हमारे खाने का टाइमिंग्स हो गए हैं। रूटीन ख़राब हो रहा है यहाँ पे। सब लोग सोने के लिए जा रहे हैं और वैदिक भी सोने के लिए जा रहा है ना, और मैंने जलाया हुआ है यहाँ पे लैम्प। और बस अब सोएंगे क्योंकि अब कान्हा जी को हमने सुला दिया, अब लाइट जला कर बार बार परेशान नहीं करेंगे उनको। वैदिक, और वैदिक को सुबह स्कूल जाना है। और वैदिक की ये यार क्या है? ये वैदिक की पूंछ। पूंछ है। वैदिक हमेशा हनुमान जी बन के घूमता है इसलिए वैदिक की पूंछ है। दिखाओ अपनी पूंछ, दिखाओ सबको। पीछे से दिखाओ, पीछे से कैसे लगाते हो आप? ये देखो वैदिक अपनी पूंछ लगाता है। चलिए तो हम सभी लोग अब सोने के लिए जाते हैं और आप सभी को भी गुड नाइट, क्योंकि आज ना रात को मामी जी आ जाएंगे तो हस्बैंड तो 1 बजे उनको एयरपोर्ट लेने के लिए चले जाएंगे। फ्लाइट 2 बजे की है। हाँ जी, परमेश्वर आ गए और हम आ गए हैं आंटी के यहाँ से, है ना? अच्छा लगा मैं देखो, मज़ा आया। हाँ जी, लेकिन आपने मेरे साथ क्यों नहीं खेलता? इसे क्यों नहीं खाया? मैं नहीं खेलती ना। डॉक्टर किट अभी मैंने रखा हुआ है, डॉक्टर किट मॉर्निंग में निकालेंगे, अभी वहाँ पे चूहा आ जाएगा। अब कहाँ रखा हुआ है? पढ़ना मेरे लिए जगह बनाई है सुबह योगा करने के लिए और चैंटिंग करने के लिए, तो मॉर्निंग में उठ के मैं यहाँ पर आराम से योगा करूँगी। और मैट भी लगा दी है ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि सुबह बहुत ठंडा होता है। और बस अब हम सोएंगे। सबको पता है तू वैदिक है, मैं हूँ वैदिक। स्कूल जाना चाहिए।
अच्छा रोज स्कूल जाना चाहिए रोते रोते, है ना? अच्छा ये रोज क्या लगा रहे हैं पापा जी नाक में? पापा जी रात को हमें ऑयल नहीं लगाना चाहिए। देख पापा जी क्या कर रहे हैं, एडवाइस बहुत करने लग गया ये आजकल। और ये हमारे ठाकुर जी सो गए।